क्रोध से प्रारंभ होने वाली हर बात लज्जा पर समाप्त होती है। दो कटोरी आटा, एक कटोरी बेसन, फुर्थ कटोरी तुवर दाल, थोड़े से मटर के दाने, लौकी, थोड़ी सी इमली भिगा करके इसका पानी निकालेंगे, सेंधा नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। आटा, बेसन, उसमें स्वाद अनुसार नमक, सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार यह डालकर हम इसको जैसा हम आटा लगाते हैं वैसा ओसन लेंगे। दाल कचौली के लिए हमने यह तुअर की दाल, इसमें लाल शिमला मिर्च, लौकी, मटर और सेंधा नमक यह डालकर उबाल लिया है। दाल कचौली के लिए हमने दाल के लिए तेल गरम करके उसमें जीरा यह डालेंगे, थोड़े से उसमें हमने ये नारियल लिए है, हम इसको भी डालेंगे दाल कचौली के छोंक में, कुछ दाने मूंगफली के और ये इमली का पानी। लाल होने आ जाए तब तक हम इसको सेकते हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, नमक हमने दाल में भी डाला था बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे और इमली का पानी यह डाल देंगे। और अब इसमें हमारी उबली हुई दाल, जिसमें हमने शिमला मिर्च, एक लाल शिमला मिर्च, लौकी और मटर यह डालकर उबाली थी, वह दाल तुअर की दाल वह डालेंगे हम। अब हम इस दाल को एकदम पतली दाल के जैसे दाल बना लेंगे। दाल कचौली के मसाले के लिए हम कच्चे केले को उबालकर कद्दूकस मैश कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा डालेंगे और दो से तीन हरी मिर्च को बारीक सुधार कर डालेंगे, उसमें उबला हुआ मटर और फिर मैश किया हुआ उबला हुआ जो कच्चा केला है वह डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर का पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर यह डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा मसाला तैयार। हमने केले के मसाले को कढ़ाई में ठंडा कर लिया था, अब हम इसको थाली में डालकर अच्छे से एक बार और मैश करके बारीक कर लेंगे। दाल कचौली के लिए हमने इस तरह से ये पूड़ी बेली है, अब हम इसमें हमारा केले का मसाला भरेंगे। देखिए हमने इस तरह से हमारा केले का मसाला भरा है, अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये इस तरह हमने ये मसाले की पूड़ी बना करके कचौली बना करके हमने रखी है। इस तरह से हमारी जितनी कचौली हमें बनानी है हम एक साथ वो बना करके रख लेंगे। हमने जो दाल उबाली है उसमें जो हमारी कचौली हमने बनाई है वह हम एक एक करके डाल देंगे। जब हम डालेंगे तो ये पहले नीचे बैठेगी और जैसे ही ये बन जाएगी तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। ये हमारी दाल चकोली बनकर तैयार है। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी पूरा खाना है, इसमें रोटी, दाल और सब्जी यह तीनों एक साथ एक ही डिश में आ जाती है। इसे आप सभी अवश्य बनाइएगा। जय जिनेंद्र।